मरेगा मरेगा मरेगा, करेगा भरेगा भरेगा, टीआरपी के लिए साला कुछ भी करेगा। वाल ऐसा ही कुछ किया है कलर्स टीवी के शो बिग बॉस की क्रिएटिव टीम ने। क्रिएटिव टीम ने रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी पर ये अनाउंस किया कि निया शर्मा खतरों के खिलाड़ी की फर्स्ट कंफर्म्ड कंटेस्टेंट है। ये कहा गया कि निया शर्मा बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट इस सीजन नजर आने वाली है। ये अनाउंसमेंट खुद जाने माने डायरेक्टर खतरों के होस्ट रोहित शेट्टी की जुबानी करवाई गई। अब भाई नेशनल टीवी पर एक रियलिटी शो के फिनाले में रोहित शेट्टी कुछ कह रहा है तो फैंस तो मानेंगे ही ना। लेकिन बीते दिन तब टूट गया फैंस का दिल जब निया शर्मा ने अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर पोस्ट करके ये कंफर्म कर दिया कि वो बिग बॉस का हिस्सा नहीं होंगी। निया शर्मा ने साफ साफ इशारा दिया कि चैनल ने उनसे ये झूठ बुलवाया। असल में निया ने एक पोस्ट किया, निया ने लिखा, मेरे सभी फैंस और वेल विशर्स जिन्हें मैंने डिसअपॉइंट किया है, सॉरी, ट्रूली, सच में मैं बहुत ओवरवेल्म थी उस प्यार और सपोर्ट से, उस क्रेजी हाइप से जो लोगों ने मेरे बिग बॉस के घर के अंदर जाने पर मुझे दिखाई। मैं ऑलमोस्ट बिग बॉस के घर के अंदर जाना चाह ही रही हूँ, लेकिन इस प्यार ने मुझे ये एहसास करवाया कि मैंने पिछले 14 साल इंडस्ट्री में जो काम किया है उसके बाद मैंने क्या पाया है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने ये हाइप और अटेंशन एंजॉय नहीं किया, लेकिन मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, मुझ पर ब्लेम नहीं डाला जा सकता, इट वॉज नॉट मी। जी हाँ, निया ने साफ कर दिया कि उन्होंने ये झूठ नहीं बोला, बल्कि कलर्स चैनल ने ये झूठ बोला है। वेल दिस इज रियली डिसगस्टिंग, इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा शो और इस तरीके के झूठे पब्लिसिटी स्टंट्स, दिस वॉज रियली नॉट डन। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।